so tired of you. Always playing with my heart. I don't know if I can go on much longer. Wanted you to love me, but all I ever. Good morning. Welcome to the new vlog. Hope all are doing really, really great. So, आज है डे 4 इन गोवा और हम लोग जा रहे हैं लव इज जिंदगी की जहाँ पे मूवी शूट हुई है वहाँ पे. लुक एट द व्यू, इज सो ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग एंड इट्स 7 AM और हम लोग हो गए रेडी. नूरा से हाई, से हाई. नूरा इज ऑल्सो रेडी. वेर यू आर गोइंग नूरा, टेल योर व्यूअर्स वेर यू आर गोइंग. नाइट 9 o'clock को हमारी फ्लाइट है, तो उससे पहले अगर हो सकता है तो हम लोग जो है मोस्ट ऑफ़ दी बीचेस कवर करने का ट्राई करेंगे. यहाँ पे नियर बाय जहाँ हम लोग रुके हैं, नियर बाय वेगेटर बीच है, कैलंगेट है, बागा है, इसलिए हम लोग इसने अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं ताकि ये चारों कवर करके फिर रूम चेकआउट कर लेंगे. और यहाँ से हम लोग 5 o'clock ऐसे निकल जाएंगे हाफ एन आवर का बफर लेके, क्योंकि होता क्या है कभी ट्रैफिक मिल गई, कुछ मिल गया तो फ्लाइट मिस ना हो जाए. देखिए गाइस, वो रेड वाली जो कार जा रही है उसमें शूटिंग हो रही है और हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा अपना रील्स बनाने आए थे. बहुत ही असम प्लेस है, मतलब एकदम मस्त वाली प्लेस. और ये देखिए सारी जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है. और ये रिजवान स्कूटी लाते हुए, अब मैं स्कूटी में रील बनाऊंगी जिसे आप इंस्टाग्राम पे देखोगे. आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ. और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए वेगेटर बीच के लिए जो कि नियर बाय 20 मिनट्स. और ये देखिए व्यू कितना ब्यूटीफुल है, दोनों साइड ग्रीनरी और बीच में हमारी गाड़ी चल रही है. फिर हम आ गए थे वेगेटर बीच पे और ये देखिए कुछ ऐसा जाने का रास्ता है वेगेटर बीच पे. एंड नूर यहाँ पे सो गई थी तो हम लोग ऐसे गाड़ी वहाँ पे पार्क करके अंदर चल चल कर जा रहे थे. और बीच एकदम पास में था जहाँ पे पार्किंग थी और अर्ली मॉर्निंग था तो वेदर बहुत ही अच्छा था. Oh,
how you do it. You blow my mind without a word. Ooh, stuck upside down. I might be dreaming. There's no way back now. Make every inch of my. और फिर बीच पे एंजॉय करने के बाद हम जाने लगे थे होटल की तरफ, क्योंकि हम काफ़ी भीग गए थे। और उसके बाद फिर आप देखिए क्या हुआ। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और हमने रूम से सारा चेकआउट कर लिया है। उधर रहा हमारा लगेज और अभी हम लोग जा रहे हैं चापरा फोर्ट। रिजान चोपड़ा है, चापरा है, क्या है, चापरा फोर्ट जो कि यहाँ से। सो अभी हम लोग जा रहे हैं चापरा फोर्ट जो कि यहाँ से नियर ही है, वो कवर करते हैं फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से 5 o'clock। और ये देखिए नूर को कैसे देख रही है मजे से, इसको बहुत मज़ा आता है स्विमिंग पूल में, तो बहुत मज़ा आया इसका, है ना। यू एंजॉय द लॉट इन स्विमिंग पूल राइट। पहुंच गए छापरा फोर्ट और यहाँ से देखिए ऐसी पूरी चढ़ाई है। नूर को रिजवान ने ऐसे बेबी कैरियर में रख लिया। ये बेबी कैरियर बहुत ही अच्छा है लव लैब का, मतलब हमें बीच पे वॉक करने के लिए प्लस इधर उधर घूमने के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हम लोग स्ट्रोलर तो कैरी नहीं कर सकते ना, इसलिए अभी हमने इस बार ये बेबी कैरियर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। यहाँ से हमें जाना है 10 minutes ऊपर और यहाँ पे जो है दिल चाहता है मूवी का शूट हुआ है, तो पूरा वीडियो में आप देखना।
गल गल जा जा आगे जा आगे जा गल 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 तो गोवा मसाला गया है। अच्छा, जो डाल रहा है ना मसाला गोवा मसाला है। इसीलिए बच्चों के लिए क्या के लिए ये आपका मैगी का मसाला है। लंच करने कंट्री किचन में, ये नियर बाई है होटल के, और अभी टाइम हो रहा है 3:30। वी स्टिल हैव 1 hour 40 minutes, हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से। उससे पहले हम लोग सोचे कि चलो लंच कर लेते हैं। आसिफ हमने मैगी खाया था और ऐसे ही चटपटा कुछ कुछ खाया, तो प्रॉपर लंच कर लेते हैं। डिनर नहीं भी करे तो रात में तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। हमने अभी ऑर्डर किया है वेज कोल्हापुरी, मुझे वेज कोल्हापुरी बहुत पसंद है, और जीरा राइस एंड चपाती। आ गया हमारा यहाँ पे लंच, जीरा राइस, चिकन कोल्हापुरी, और ये रहा रोटी। और ये पगलू हमारी रो रही है, ये देखिए ये ऐसी रोती है, ये देखिए इस लड़की को गौर से कैसी रोती है ये। नूर लो खाओ, हाउ इज द टेस्ट? नॉन स्पाइसी, गुड। करने के बाद सीधे हम लोग होटल में आए, चेंज वगैरह किया, और अभी हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। ये नूर सो चुकी है, रिजवान ने सब पकड़ के रखा है, और ये रही मैं, और ये रहा हमारा लगेज, ये इधर सामने भी लगेज है। गाइस हमारी जो बोर्डिंग है वो है 8:35 की, और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग जल्दी इसीलिए आ गए, यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा था, उसका जो है इस वर्क चल रहा है, तो हमें लगा कि ट्रैफिक वगैरह मिल जाएगी, इसलिए फिर हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। और ये रही नूरा, आज पता नहीं ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। अभी मैंने इसको सेरोलेक्स दे दिया, थोड़ी देर अपने टॉय से खेल भी रही थी, और अब सेरोलेक्स देने के बाद इसकी एक प्रॉब्लम है कि दूध नहीं लेती है जल्दी से।